अभी हमारे पास एक ऑप्टोनिक्स कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वॉइस के लिए, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसका वाईफाई पासवर्ड हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूआरएल में टाइप करना पड़ेगा 192.168.1.1। जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको आपको एक ऑप्शन देगा यूजर नेम और पासवर्ड। आपको बैक साइड में मॉडम में जो लिखा होगा इसका पासवर्ड क्या लिखा होगा, 1234। ऑप्शन दिखेगा आपको कई सारा, जैसे आपको नेटवर्क में, नेटवर्क में गए तो आपको ऑप्शन दिखेगा क्या चीज, यहाँ पे आपको SSID दिखेगा, SSID लिखा और उसके बाद प्री शेयर की। तो आपको क्या करना है, इससे आप SSID अपना नाम चेंज कर सकते। जैसे SSID मैंने अपना दे दिया SUMIT सुमित 123। उसके बाद हमने पासवर्ड भी अगर हम चेंज करना चाहें तो पासवर्ड भी हम चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने हिसाब से आप अपना पासवर्ड सेव करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको कॉन्फ़िगर करना, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक अलग से उसको लॉगिन करना पड़ेगा, जो इस मॉडम के बैक साइड में आपको लिखा हुआ नहीं दिखा गया, लिखा हुआ नहीं दिखाई। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के बाद आपको यूजर नेम आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एडमिन ही देना है, और पासवर्ड में आपको देना है आपको ONU@, उसके बाद MAC जो एड्रेस है आपका 12 डिजिट का, उसके 4 डिजिट देना है, वो भी स्मॉल लेटर में। आपको ने पासवर्ड 1234 से आपने लॉगिन किया तो आपको क्या करना है, केवल और केवल आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड ONU@6A60, ये कहाँ से है, आपका मैक एड्रेस जो रहता है ना 12 डिजिट का, उसका 4 डिजिट यूज करना है, वो भी 4 डिजिट में। आपको क्या करना है, जो AB टर्म्स के रूप में कुछ दिया रहेगा उसको आपको स्मॉल लेटर में ही यूज करना है। अगर ये पासवर्ड नहीं है तो एक डिफॉल्ट में 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए। पासवर्ड से आप इंटरनेट को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, और उसका वाईफाई चेंज कर सकते हैं, मैक फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो आप ये वाला पासवर्ड का यूज कीजिए, 1 2 3 4, वो मॉडम के बैक साइड में दिया है, जो ज्यादा काम का नहीं है। अब हम इसमें डाल चुके हैं ONU@, अब हम लॉग इन होने वाले हैं। अब देखिए, अब हम इस मॉडम के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद हमें सबसे पहले काम क्या करना है, नेटवर्क में गए। नेटवर्क में जाने के बाद सबसे पहले आप इसको डिलीट कीजिए, पुराने वाले को। पुराने वाला जैसे ही डिलीट हुआ उसके बाद आपको क्या करना है, नया कॉन्फ़िगरेशन करना है। न्यू कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस में भी हम इंटरनेट के लिए करने वाले हैं, और दो चीजें आपको मैक्सिमम रखे हैं 7 जैसे हमने रखा है। उसके बाद आपका यूजर नेम क्या है वो आपको सर्विस प्रोवाइडर आपको देगा, DCD आपका, जैसे कि मेरा मेरा यूजर नेम ये है, आप देख सकते हैं। पासवर्ड आपका रहेगा PAASWORD, आपका ये पासवर्ड आपको सर्विस प्रोवाइडर देगा। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका इंटरनेट अभी कॉन्फ़िगर हो चुका है। जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद वन में जाना है। वन में गए तो आपको यहाँ पे देखिए इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड दिख रहा है, जिससे मालूम चल गया कि हमारा इंटरनेट अभी चल रहा है। उसके बाद हमें नेटवर्क में गए, नेटवर्क में जाने के बाद हमें क्या करना है, वॉइस के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो फिर BSNL के लिए 1830 होता है। उसके बाद यहाँ पे आप मैक्सिमम 0 भी रहने से चल जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमम रखिए तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका अब हमें IP सबनेट डिफॉल्ट और ये सब आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास से आपको मिल जाए। प्राइमरी DNS और सेकेंडरी NEOS BSNL का ऑल इंडिया के लिए सेम है, इसको आप अप्लाई कर दीजिए तो आपका हो गया। लेकिन वॉइस का अभी भी आपका वॉइस का लिंक नहीं आएगा, उसके लिए आपको VOIP दिखेगा। VOIP दिखा, इसमें आपका सर्कल है, जैसे आप असम सर्कल है, तो असम सर्कल के लिए मैंने ये
110.187.2.12 है। तो ये अगर आप दूसरे सर्कल में है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछ लीजिएगा कि SIP में हमें कॉन्फिगर करने के लिए हमारा IP क्या है। जैसे कि आप एक अकाउंट में आपका सर्वर नंबर रहेगा, जैसे कि मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 191 इंडिया का कोड हो गया, उसके बाद 3777 से यहाँ का पिन वो आपका कोड हो गया 296149, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 4 0 रहे, 1 2 3 4, 4 0 0 हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। अगर आपने ये इंटर गलत किया है, मतलब गलत, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर से एक बार पूछ लीजिएगा मेरा SIP का पासवर्ड क्या है, वो जो बोलेंगे वही आपको डालना है। अगर आप गलत डालेंगे तो आपका टेलीफोन आउट ऑफ ऑर्डर में दिखेगा। अगर ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर नंबर आपका बोलता है आपका नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोवाइडर से डायरेक्ट बोलिए कि मेरा नंबर वो SIP में रजिस्टर नहीं है, आप इसको रजिस्टर करवा दीजिए। तो वो जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपका टेलीफोन उसके साथ ही आपका चालू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वाईफाई पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। तो वाईफाई पासवर्ड के लिए आपको नेटवर्क में गए, नेटवर्क के बाद में WLAN में गए। WLAN में जाने के बाद आपको यहाँ पे सुमित 123 हमने किया था। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो 12 हमने कर दिया। अब पासवर्ड में प्री शेयर के में अपने हिसाब से आपको जो भी पासवर्ड देना है एटलीस्ट 8 डिजिट का होना चाहिए। तो आप वो पासवर्ड यहाँ पे देने के बाद अब अप्लाई कर दीजिए, आपका पासवर्ड भी चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैक फिल्टर करना चाहते हैं, मैक फिल्टर जनरली इसलिए किया जाता है कि अगर कोई आपका आपका वाईफाई कोई दूसरा कोई यूज कर रहा है तो कैसे आप हम उनको हटा सके सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वो यूज नहीं। मैक फिल्टर में जाने के बाद आपको अनेबल करने के बाद अप्लाई करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड उनका कोई ज्यादा जैसे अमित दे उनका एड्रेस वो डिटेक्ट होता है। उसके बाद इसको, हालांकि मैं इसका एक वीडियो अलग से इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम देते हैं स्टेटस में। स्टेटस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए अपने इंटरनेट लिया, वॉइस का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, है कि पीओएन स्टेटस कितना है। पीओएन स्टेटस हमारा कनेक्टेड दिख रहा है, अगर डिसकनेक्टेड दिख रहा है तो आपका इंटरनेट कभी भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप देखिए ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पावर, ये बहुत ही जरूरी मीटर है। अगर ये माइनस ऊपर जाता है, जैसे -35 माइनस, इस रूप में आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, लेकिन -1 है, प्लस में है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगर आपका जो आप जिससे खोल रहे थे यहाँ पे आप अकाउंट में गए, अकाउंट में जाने के बाद आपका जैसे अभी हम ONU@ उसका मैक एड्रेस, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एक नया अपना पासवर्ड बना लीजिए। जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसी से आपका आपका अकाउंट एडमिन रहेगा और पासवर्ड उसी से खुलेगा। ये आप बनाने का बेनिफिट ये भी है कि कई बार वायरस आ जाते हैं जो भी काफी सिक्योरिटी रहेगा। उसके साथ साथ मैं एक आपका मैक एड्रेस ये हुआ, ये सब चीजें आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से ही पूछ के आपको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। ओके, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ओके, थैंक यू।